बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत, फजल व करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग इस दुआ से शुरू करते हैं। या अल्लाह पाक मुझे देखने वाले और चाहने वाले जहाँ भी हैं खुश आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज का जो व्लॉग है भाई, ये देख सकते हैं आप, कपड़े मैंने पहने फ़िलहाल, यानी कि कल ही पहने थे ये सारे। तो आज का जो व्लॉग है वो ये है कि आज जा रहा हूँ काम करना है मिस्त्रियों के साथ, ये पास ही कर रहा है, वहाँ पे ईंटें लगानी है फर्श पे। तो आज जा रहे हैं जी वहाँ पे। मैं तो सोच रहा था यार, पता है रमज़ान भी आ गया है, खर्चे भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि कुछ भी करना पड़ेगा, और तो और जो चीज़ें भी लेनी थी वो भी, तो इसलिए जो है ना जो कुछ करना है हमें करना पड़ेगा। अभी रमज़ान आ गया, फिर मजदूरी वगैरह नहीं होगी, अभी जा रहा था मजदूरी के लिए मिस्त्रियों के साथ। आज का ही दिन है, कल किसी और जगह को काम देखूंगा, काम हुआ तो कर लेंगे। तो अभी चल मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है? आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखा दूंगा वहाँ पे कि क्या काम करना है, फिर शाम को छोटे छोटे और काम है वो भी व्लॉग में ही ऐड करूँगा, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट की जाती है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अजल्द पहुँच सकें। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम रेडी हो चुका हूँ, ठीक है? अभी जाना है काम पे और आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूँगा। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, मट्टी उठानी है, ठीक है? तो फिर आपको मिलते हैं कि काम के बाद, ठीक है दोस्तों? जैसा कि अभी तकरीबन 4 का टाइम हो चुका है और काम से वापसी हो गई है, ठीक है? और इसके बाद शाम का जो प्लान है वो देखते हैं। अभी मैंने जाना था मसवाक लेने, रमज़ान आ रहे हैं और ब्रश से दांत साफ करो तो मसूड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है, इसलिए मसवाक लेके आऊँगा शाम को काटने के लिए। वहाँ से जाऊँगा घर आगे, यहाँ पर मैच खेलते थे उस तरफ, वहाँ से लेके आऊँगा मैं वॉक, थोड़ी ज़्यादा तोड़ के लाऊँगा। इसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। जैसे कि अभी नमाज वगैरह पढ़ लिया, ठीक है? और धूप भी काफ़ी है, छत पे आया हूँ तो नमाज वगैरह पढ़ लिया। अभी जाना है किसी काम से, नीचे हमारी गंदम है, हमने लगाई हुई है लेकिन वो हमने दी थी ठेके पर पठानों को। तो मैं और मेरी दादी जान वहाँ पे जा रहे हैं उसे देखने के लिए। इसके बाद कोई मसवा का मैंने आपको बोला था तो वो भी चेक करते हैं कि शायद जाऊँ या ना जाऊँ अगर टाइम हुआ तो। और जो पिछला व्लॉग था उसमें मैंने स्ट्रेट वाली क्रीम लाई थी ना, देखें ऐसे कितने से 10-12 स्ट्रेट हुए, ये चेक करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जिसे ले गया उसने गारंटी दी थी, तो वाकई यार बड़े काम की चीज़ निकली है वो। ये चेक करें, कोई बाल नहीं गिरे, इतने ज़बरदस्त सिल्की बाल हो गए। तो आप अगर आप में से भी कोई लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, उसका मैं नाम जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वो आप परचेज़ कर लें, लोगों दे के परचेज़ करना। चलो अभी चलते हैं, ठीक है? दादी जाना भी खा भी रही हैं, इसके बाद चलते हैं फिर। अच्छा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ, हम खेत देखने जा रहे थे, वहाँ पे तशरीफ़ ला चुका हूँ।
ये पीछे खेत है बिल्कुल। इधर आ गया जी, भी गंदम देखने के लिए आए थे। ये बहुत टाइम पहले लगाए थे, बहुत टाइम पहले 20-25 साल पहले लगाए थे। अभी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये दोनों साइड चेक करें। जी ये पीछे गंदम है, हमने खुद नहीं लगाई हुई। ये एक बाबा जी यहाँ पर रहते हैं, पठान है, तो उनको हमने ठेके पे लगाई है। कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन इसलिए नहीं लगाई। ये रेतली जगह है थोड़ी सी, मैं आपको बताता हूँ उठा के। अभी वापस आ चुका हूँ। गंदम वगैरह देखने गए थे, गंदम तो हमने उनको दी थी। हम जगह देखने गए थे ताकि इसलिए कि वहाँ पे हमने कुछ काम कराना है जो नीचे थी, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे स्टेप वाइज जगह थी, बिल्कुल हमने बराबर करानी थी। तो इसलिए मैं खुद गया था देखने के लिए। अबू जान के आए थे कि जगह वगैरह देख लो, तो देखते हैं कितना खर्चा आ रहा है, काम कराते हैं। तो अभी मैं सुबह के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, सूरज ग्रुप हो चुका है, मगरिब की अज़ानें होने लगी हैं, नमाज वगैरह पढ़ूंगा। और ये बिगार के शहर में घूम रहा हूँ। ये पौधे वगैरह हमने लगाए हुए हैं, ये सही छल इतना गुलाब खिला हुआ था, ये भी तो ख़राब हो गया। तो भी फिर अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।